दोस्तों इन्फॉर्मेशन जोन में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों आज हम सॉर्गम यानी चरी के मतलब आपसे मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों जिन जिमींदारों ने इस वक्त सॉर्गम की अगेती फसल काश की थी, उनकी फसल इस वक्त बीज बना चुकी है। दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं सिट्टी के अंदर बीज मुकम्मल तौर पर बन रहे हैं और इस वक्त दाने दूधी हालत में। दोस्तों इसमें दो तरह के इस वक्त मसाइल आ रहे हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। एक तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक सिचुएशन है जिसमें दाने बहुत कम बने हैं या बिल्कुल नहीं बने, और एक दोस्तों सिचुएशन ये है आपके सामने कि दानों से भरपूर सिट्टी है इस वक्त नज़र आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये कि जब आपने सिलेक्शन करनी है तो कोशिश करनी है कि जो मादी है वो आपने लेके उसके जो है ना वो बीज आपने रखने हैं जो सिट्टे दानों से भरपूर है। और दोस्तों अगली बात ये है, कोशिश करें कि हम बीज की सिलेक्शन करने के दौरान इस तरह के जो आपके सामने हैं वायरस से मुतासरा माल फंक्शन और अनहेल्थी किस्म के जो है बुज से जो बने हुए हैं इनका हम बीज बिल्कुल ना, ये आपके सामने इस वक्त जो आज की वीडियो का मेन मकसद जो है वो ये है कि ये जो इस तरह के हैं खटूर से बन गए इनको आप बिल्कुल ना रखें, लेकिन जो इस तरह से हैं जो इस वक्त आपके सामने है ये जो सिटी है बड़ी ज़बरदस्त सिटी इस वक्त बनी हुई है, ये जो है बिल्कुल दानों से भरपूर इस तरह की सिटियाँ जो हैं वो जो आप लोग तोड़ें और तोड़ने के बाद इनको जो है वो आपने स्टोर करना। लेकिन कोशिश करें दाने जो है वो इन पौधों का बीज कलेक्शन करने के बाद इनको आप खेत के अंदर बिखेर दें, धूप लगवाएं और इसका दर्जा हरारत जो है कम अज़ कम जो है दोस्तों जो है वो 8 दर्जा हरारत कह रही है, सॉरी नमी जो है वो 8% तक होनी चाहिए। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ एक एक जो है वो बुज ये बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देखें, कोई बीज इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। तो ये माल फंक्शन, जबकि दूसरी तरफ अगर आप आए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो माशाल्लाह से पूरे का पूरा बीज से भरा हुआ है। तो जिमींदारों की अक्सर कंप्लेन ये भी रहती है कि चरी का बीज जो है वो उगा नहीं है, तो उसके अंदर मसाइल जो आ रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि आप बीज के चुनाव के दौरान सही पौधे का और सेहतमंद पौधों का जो है ना वो आप लोगों ने चुनाव करना है। अगर आप बीमार पौधों का चुनाव करेंगे तो डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों आज की मालूम यहीं तक, नेक्स्ट मालूम के साथ इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल इंफॉर्मेशन जोन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखें।